नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पुरकाही क्षेत्र के खादर क्षेत्र में सोनाली नदी पर बांध बनाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी रविंद्र मल्लप्पा बंगारी को ग्रामीणों के द्वारा सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर साल सोनाली नदी में बाढ़ आ जाने के कारण कई गाँव प्रभावित हो जाते हैं और उनकी फसलें भी खराब हो जाती है, साथ ही उनके घरों में पानी भी भर जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर वहाँ बांध बन गया तो किसानों को किसी भी तरीके से समस्या नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द वहां पर बांध बनाया जाए जिससे कि किसानों की समस्या का समाधान हो सके। आपका मेरा नाम बूटा सिंह है जी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जिला उपाध्यक्ष। आज हमारे यहाँ खादर क्षेत्र में सोलानी नदी है, तो उसमें जब बाढ़ आती है तो जगह जगह पर कट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से कई गांवों को 20-22 गांवों को नुकसान होता है और 2-3 किलोमीटर नदी बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसमें साल्ट जमने की वजह से खेतों में पानी जाता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हम जिलाधिकारी जी के पास आए थे अपनी समस्या को लेकर, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपके जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? हमारा क्षेत्र पुरकाजी ब्लॉक में शेरपुर खादर, और नदी का जो ये दादूपुर गाँव से लेकर अलमावाड़े तक ये जो समस्या है कट बंद की, ये दादूपुर से लेकर अलमावाड़े तक है। यूपी के गांव तो 25-26 तो यूपी के गांव हैं, उत्तराखंड के मिला के तो 40 प्लस हो रहे हैं जी। लगातार ज्ञापन दे जा रहे हैं, क्या अभी तक प्रशासन ने आकलन नहीं कराया नुकसान का? अभी कुछ आकलन नहीं हुआ, बस पटवारी जी भी घर बैठे फोन, पटवारी जी कह रहे हैं लोगों को भाई अपनी लिस्ट दे दो, बाकी अभी किसी ने वैसे जाके सर्वे नहीं किया कुछ भी, कितना नुकसान हुआ क्या हुआ।